घर और समाज में महिलाओं को दोयम का दर्जा माना जाता है। राजनांदगांव जिले के लोकेश्वरी साहू इस मिथ्या को तोड़कर गुपचुप बेचकर अपना ही नहीं बल्कि अपने पिता का पालन पोषण कर रही है। मेरे घर की परेशानी देख के पढ़ाई छोड़ के गुपचुप बेचता हूँ, बनाता हूँ भी, फिर ठेला पेल के वहाँ भी बेचता हूँ। 5 साल हो गए गुपचुप बेचता हूँ पढ़ाई छोड़ के, और 4 बहन हैं वो गुपचुप बेचते बेचते निकले हैं पढ़ाई छोड़ छोड़ कर। उन लोग भी मेरे पापा के पैर में शायद दिखा है, इसलिए मैं उसके साथ गुपचुप बेचने जाती हूँ। वो बेच नहीं पाते क्योंकि वो लोड नहीं उठा पाते। तो आगे पढ़ाई आप करना चाहते हो? नहीं, करना भी नहीं चाहते और पढ़ते भी, तो घर में काम करने के लिए कोई भी नहीं है। मैं खुद बनाती हूँ, बेचती हूँ। तो एक दिन में मजदूरी कितना मिल जाता है आपको? 500 रुपया। हाँ, रोज बनाना पड़ता है और बेचना पड़ता है। और यही गांव में ही बेचती हूँ? हाँ, गांव में भी बेचती हूँ। पास कर चुके हैं लगभग वो, अभी उसको जबकि काम करने का उसका उम्र नहीं है, उसके बाद भी वो अपने एक क्या बोलते हैं बलबूते पे ठेला चला रही है, जबकि उसको अभी पढ़ने की एक सिर्फ चाह होना चाहिए, लेकिन वो फिर भी एक जिम्मेदारी के साथ अपने घर को चला रही है, प्लस अपने माता पिता का हेल्प कर रही है। समाज में जो और बाकी लड़कियां हैं या लड़के हैं उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। समाज में एक ऐसी माहौल तैयार करें जिससे बेटियों को बराबरी का सम्मान मिले। मैं भान साहू, छत्तीसगढ़, इंडिया, अनहट के लिए।